मुंबई में सैफ अमृता की बेटी ने खरीदा करोड़ों का ऑफिस। 27 की उम्र में ही बनी पॉश एरिया के ऑफिस की मालकिन। किसी ने कहा ये है कंजूस होने का फायदा, तो कोई बोला ये लड़की है कमाल। जी हाँ, पटौदी खानदान की बेटी और बी टाउन की चुलबुली अदाकारा सारा अली खान एक बार फिर सुर्खियों में छा गई है। जहाँ एक ओर इस समय उनके अमरनाथ यात्रा की चर्चा चारों ओर हो रही है, तो वहीं अब सारा अपने नए ऑफिस की वजह से लाइमलाइट का हिस्सा बन गई है। भाई आखिर सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह की लाडली ने मुंबई के पॉश इलाके में करोड़ों की कीमत का नया ऑफिस जो खरीद डाला है। वैसे तो बीते काफी दिनों से सारा के नए ऑफिस खरीदने की खबरें गॉसिप के गलियारों का हिस्सा बनी हुई थी। दावा किया जा रहा था कि सारा मुंबई में अपने लिए एक ऑफिस की तलाश में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, हाल ही में सारा को अपनी माँ और एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ ऑफिस स्पेस लोकेशन ढूंढते हुए स्पॉट भी किया गया था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वहीं अब फाइनली सारा ने मायानगरी में खुद के लिए एक नया ऑफिस खरीद लिया है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा ने लोटस डेवलपर्स के अंधेरी वेस्ट प्रोजेक्ट लोटस सिग्नेचर में अपना नया ऑफिस बुक कर लिया है। वहीं इसके लिए सारा ने करोड़ों की मोटी रकम भी चुकाई है। वैसे तो सारा को उनकी कंजूसी के लिए सारे जमाने में जाना जाता है, लेकिन ऑफिस स्पेस के लिए उन्होंने भारी कीमत चुकाई है। कहा जा रहा है कि इस अपार्टमेंट की कीमत 1 से 1.5 करोड़ के बीच है। फिलहाल इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसे में इस प्रॉपर्टी पर सारा को 2 साल बाद यानी कि दिसंबर 2025 में कब्जा मिलेगा। अब 27 साल की उम्र में सारा अली खान जैसे ही महंगे ऑफिस की मालकिन बनी, तो नेटिजंस भी इस खबर पर अपने अपने रिएक्शन देने में पीछे नहीं रहे। एक फैन ने सारा को बधाई देते हुए कहा, आपको ऐसे ही सक्सेस मिलती रहे। तो एक दूसरे यूजर ने इस खबर पर रिएक्ट करते हुए मजाक में कहा, स्ट्रीट शॉपिंग करके इतना बचा लिया। वहीं एक अन्य शख्स ने कहा, कंजूस होने का यही फायदा है। बता दें कि सारा भले ही रॉयल फैमिली से आती हैं, लेकिन उनके अंदर बेवजह फिजूल खर्ची करने की आदत जरा भी नहीं है। वो सेलिब्रिटी स्टेटस की जगह एक मिडिल क्लास गर्ल की तरह रहना पसंद करती हैं। यही वजह है कि आज के समय में वो जो पैसा कमा रही हैं, उसे इन्वेस्ट करना ही बेहतर समझती हैं। सैफ की बेटी सारा की प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्ट्रेस की टोटल नेटवर्थ अभी लगभग 41 करोड़ रुपए है। एक फिल्म के लिए वो 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। वहीं वो ब्रांड एंडोर्समेंट और आर्ट से भी लाखों की कमाई कर लेती हैं। सारा मुंबई के पॉश एरिया जुहू के एक लग्जरी अपार्टमेंट में अपनी माँ अमृता और भाई इब्राहिम के साथ रहती हैं। सारा को गाड़ियों का ज्यादा शौक तो नहीं है, लेकिन उनके पास 1.25 करोड़ की मर्सिडीज बेंज जी क्लास, होंडा सीआरवी और जीप कार भी है। वहीं बात अगर एक्ट्रेस के वर्क फंड की करें तो सारा अली खान इस समय अपनी फिल्म जरा हटके जरा बचके की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। पिछले 50 दिनों से फिल्म थिएटर्स में लगी हुई है। वहीं अब सारा फिल्म मेकर अनुराग बासु की एक्शन थ्रिलर मेट्रो इन दिनों में नजर आएंगी। इसके अलावा सारा ए वतन मेरे वतन में फ्रीडम फाइटर उषा मेहता का किरदार निभाएंगी। ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।